हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ये हमारी पड़ोसी है जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यार कर रही थी हमारे स्कूबी को। एक्चुअली क्या है ना, स्कूबी को मैं बांध के रखना नहीं चाहती, आप समझिए। देखिए, एक कुत्ते को, जानवर को, हम पूरा दिन, हम 1 घंटा खुद बंद के नहीं रह सकते, तो मैं इसको कैसे बांधूँ, है ना। तो मैं इसको क्या करती हूँ, खुला, ये जो हमारा आगे का एरिया है ना, इसमें मैंने खुला छोड़ रखा है कि यहाँ आराम से बैठे, या फिर हमारे घर का जो फ्रंट एरिया है ना, जहाँ पर मेरा कूलर है, आपको पता ही है, तो वहाँ पर आराम से बैठा रहता है। तो इस तरीके से रखा हुआ है। और ये देखिए, हमारा झाड़ू लेके भाग गया। पता नहीं कुत्तों को झाड़ू से इतना पसंद, प्यार क्यों होता है। इवन इसने मेरे को ना, मैं कल झाड़ू लगाने लगी, मेरे को झाड़ू तक नहीं लगाने दिया। मीन्स मैं झाड़ू लगाने लगी, मेरे से झाड़ू ही छीन लिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी नया नया है, देखिए इसके लिए भी एडजस्टमेंट करने में इसको भी टाइम लगेगा। अभी ये बस इस इन्वायरमेंट में ना एडजस्ट होने की खुद को कोशिश कर रहा है। और सच बताऊँ तो मैं भी खुद एडजस्ट होने की, मतलब इसके साथ आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, बच्चा भी संभालना होता है, उसके बाद अब एक और जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मुझे ये भी देखनी होती है। तो ये देखिए, अभी ये जो आपने देखा था, साथ वाला जो घर था, वो खाली है, और इसमें अभी नए पड़ोसी आएंगे, तो वो अपना बस कुछ काम करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का। तो अभी इसको धीरे धीरे समझ आएगा स्कूबी को भी, कि देखो कहाँ जाना होता है कहाँ नहीं। अभी तो ये ना क्या होता है, निकलते ही हर एक जगह जान, मतलब थोड़ा सा ना फ्रेंडली है, थोड़ा ओवर फ्रेंडली हो जाता है, कुत्ता है, क्या करें। तो इसको देखो, मैं यहाँ से खींच के लेके आई थी, क्योंकि कोई और कुत्ता आ गया था। और ये होता है ना कि कोई और कुत्ता है, इसको परेशान करे स्कूबी को, जो मतलब मेरे को ना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि इसको दिक्कत आएगी, कहीं काट कूट जाए, क्योंकि थोड़ा सा इस मामले में ये होता है कि बाहर का कुत्ता है, तो थोड़ा बांध लिया। देखो, ज़्यादा नहीं बांधूंगी, आधा घंटा 1 घंटा पूरे दिन में बांध लिया, वो भी तब जब कोई बाहर से कोई कुत्ता आया हो। थोड़ा सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं लेकर आई थी अंदर, और मेरी मम्मी क्या करने लग गए थे, पेंट करने लग गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने मम्मा को मना करवाया। मैंने कहा, मम्मी ऐसे पेंट नहीं होता, पेंट के लिए प्रॉपर ना तरीका होता है पेंट करने का, बचा हुआ पेंट है मानते हैं, बट ऐसे पेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखिए, नीचे का पूरा मरम्मत का काम है, तो पहले मरम्मत होती है, उसके बाद पेंट किया जाता है। तो मम्मी ने फिर छोड़ दिया। मम्मी बोलती, कभी पेंटर बुला लियो, एक दिन का काम है, हो जाएगा, करवा लेंगे। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक काले कपड़ों में है और दूसरा सफेद कपड़ों में। और ये देखिए, खुला छोड़ रखा है मैंने, तो फिर भी अपना यहीं पे ही बैठा है, कहीं नहीं जा रहा। ये मैंने इसका चेन निकाल रखी है, चाहे तो ये बाहर घूम सकता है, पर ये जिद्दी कर रहा है अंदर आने की, और ये जिद्दी कर रहा है बाहर जाने की। बाबू क्या, विहान कौन आया बेटा? मैंने ऊपर से बंद कर रखा है। बाबू सामने देखो, इसे देखो बेटा, आज मैंने इसको कुर्ता पहनाया है, जींस के ऊपर, जींस पैंट के ऊपर। सामने से आपको लुक दिखाती हूँ विहान की। इधर आ, सो के उठा था, इधर आ विहान, दिखाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए, इस बार मैंने ममार्थ की तरफ से अपने लिए मंगवाया है एलोवेरा फेस वॉश विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा। और इसके अलावा देखिए, ममार्थ की तरफ से ही एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइज़र भी मंगवाया है, जिसमें है एलोवेरा एंड अश्वगंधा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, ये देख लीजिए आप। देखिए, इसे हम ओपन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके की देखिए, कितनी बढ़िया हमें पैकेजिंग यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले मैं फेस पर अप्लाई करूंगी ममार्थ की तरफ से एलोवेरा फेस वॉश, जिसमें पाया जाता है एलोवेरा और अश्वगंधा। ये देखिए, मैंने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है। एलोवेरा फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और अश्वगंधा फेस पर बनने वाले रेडिकल्स को रोकता है, जो कि मेन कारण होता है फेस में एजिंग का। तो ये हमारे स्किन की यूथफुल ग्लो को बरकरार रखता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ममार्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पैराबेंस और SLS फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, सूटेबल होते हैं ओल्ड
स्किन टाइप के लिए। तो इसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, ममार्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पैकेजिंग में मिलता है और ये बहुत ही बढ़िया है, इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा, फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है। तो मैंने थोड़ा सा लिया है, जस्ट अपने हाथों पर अप्लाई कर दिया है और अपने फेस पर भी अप्लाई कर दिया है। तो इसे तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये सारी स्किन के लिए, हर एक टाइप के लिए सूटेबल है। बताना चाहूँगी ममा अर्थ जो है प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो हमें इंडिया के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहिए, तो हमें प्रमोट करना चाहिए, इसीलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बाय कीजिए। कूपन कोड मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस कूपन कोड को यूज़ कीजिएगा ममा अर्थ की वेबसाइट पर और ममा अर्थ की ऑफिशियल ऐप पर। हाँ जी, ममा अर्थ की ऑफिशियल ऐप भी है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप इस डिस्काउंट को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और भी मैंने आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल है ममार्थ के प्रोडक्ट्स, वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाना है, बाय करना है। हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं इन प्रोडक्ट्स को, बहुत अच्छे हैं, तो जरूर जाइए, बाय कीजिए और यूज़ कीजिए। थैंक यू। स्कूबी को देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है। अरे बेटा ऐसे ना, ऐसी हरकत मत करियो, मैं तेरे को बंद करके नहीं जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। ये मेरे को कहीं जाने ही नहीं दे रहा, ये कहता साथ चल उधर, मैं विहान को साथ लेके जाऊंगी, इसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। मैं सोच रही हूँ इसको यहीं छोड़ दूँ, इसको मैंने खुला छोड़ रखा है, अभी तो मैं यहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आएगा। ऐसे नहीं करते बच्चे, मैं कहाँ लेकर जाऊँ आपको, ये बताओ। अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, आप बैठना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करते। क्या कहाँ, ये क्या नुकसान कर रहा है मेरा, क्या कर रहा है, क्या क्या क्या, यही रहो, नहीं जाना वापस, कहाँ रहोगे बेटा। वो रो रहा है, विहान रोने लग रहा है उसके, आपके लिए तो ला रही हूँ, अंडा लाऊंगी आपके लिए, आप यही रहो, ठीक है। गेट बंद है आपका, कोई नहीं आ सकता, ये एरिया पूरा खुला है, आराम से बैठो यहाँ थोड़ी देर, जाने दो मेरे को बेटा। वो आप ही बताओ अब देख के, मैंने सुबह से ड्रेस कौन बैठा रहे, बैठा रहे, अभी आ जाऊंगी, आधे घंटे में आना जाना करूंगी, सिर्फ आना जाना। उधर मेरा बाबू रो रहा होगा पक्की बात, वो तैयार बैठा है कि मेरे को लेके जाएगी मम्मी, घुमा के लाएगी। अब मैं इसको, ये कह रहे मेरे को घुमा के ला, मैं इसको कैसे घुमा के लाऊं, आप ही बताओ ना। यहाँ पे खुला छोड़ देती हूँ इस एरिया में, वहाँ कुत्ते खा जाएंगे इसको, बुद्धू सा। मम्मी आ जा, विहान आ जा बेटा, खोलना मैं दरवाजा, हाँ मैंने बंद किया, आ जा भाग क्या, आ जा, हाँ चलो उंगली पकड़ लो, चलेंगे, आ जा बच्चे, मम्मा बेटा जाएंगे, उसको हम छोड़ आए। हे भगवान, शांत तो बैठा है ना, मेरे को तो डर लगता है एक दो दिन में ही ना उछल कूद के ही ना आने लग जाए, बैठा तो चुपचाप ही है। आ रही हूँ मैं, चलो बेटा चलो चलो चलो, अपनी लुक दिखाओ, अभी कितना सुना लग रहा है मेरा बेटा, आ जा। वैसे ना ये स्कूबी आपको दिखने में लग रहा है बड़ा है, ये 8 ही महीने का है अभी, छोटा है, मेरे इस विहान से भी छोटा है। तो अभी देखिए मेरा विहान बाबू मेरी मम्मा के साथ गया हुआ है और यहाँ पे मेरे को सुनाई दिया, पड़ोसी ना थोड़े से परेशान होने लग रहे हैं अभी स्कूबी की वजह से। देखिए परेशान होने का मतलब भी समझ में आता है क्योंकि देखिए अभी दोनों साइड से एडजस्टमेंट होती है। देखिए कभी भी देखिए, अभी ये जो डोगी है हमने तो रख लिया है यहाँ, लेकिन पड़ोसियों को भी तो इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि देखिए उनको भी निकलना होता है देखिए गली में से, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको पता है कि ना ये थोड़ा सा स्कूबी हमारा ओवर फ्रैंक है इस टाइम, इसको थोड़ा सा ना हमें डिसिप्लिन में लाना होगा, मींस इसे हमें सिखाना पड़ेगा कि दूसरा जो बंदा है, बाहर का बंदा है, उसके पास मत जा। जैसे उनके पास पूछ हिला के एकदम से सबके पास, मतलब जैसे ये मेरे साथ बिहेव कर रहा है वैसे ही ये साथ वालों पड़ोसियों के साथ बिहेव कर रहा है, ये चीज इसकी गलत है। क्योंकि देखिए आप हर किसी के साथ ओवर फ्रेंडली नहीं हो सकते और ये सबके साथ ओवर फ्रेंडली हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। अब देखो हर कोई पसंद नहीं करता, मैं खुद भी पसंद नहीं करती। मैं अपनी बात करूं, मैंने जैसे ये टी शर्ट पहनी है, मेरे को अपने कपड़े बहुत साफ सुथरे रखने पसंद है और ये अपने
में क्या करता है, इसके पाँव गंदे हैं, ये आएगा मेरे ऊपर कूद जाएगा ऐसे खड़ा होके। अब मैं तो चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन दूसरा बंदा क्यों एडजस्ट करेगा, आप ये चीज सोचिए ना। तो देखिए अब इसको ये चीज समझ में आनी चाहिए ना स्कूबी को, कि हर एक बंदे के जाके ऊपर नहीं चढ़ना, हर कोई आपका दोस्त नहीं है। इसको तो यही नहीं है, इसको ये नहीं लगता कि हम इसके मतलब हम इसके अपने हैं, इसको लगता है सारी दुनिया ही इसकी अपनी है, मतलब ये सबके साथ एक जैसा है, आप समझिए इस चीज को, ये दिक्कत कर सकता है। अब ये देखो हमारे साथ खेले कूदे, दूसरों के साथ दूरी बना के चले, ये थोड़ी है कि हाँ यहाँ भी जाएगा उधर भी जाएगा, ये तो सबके साथ घुले मिले जा रहा है, इसके लिए तो सारे एक बराबर है, तो ये चीज दिक्कत करेगी, इस चीज को ठीक करना पड़ेगा, जो कि हमें ही करना पड़ेगा, देखिए और कोई तो नहीं करेगा, इसको सिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा है, अभी डिसीजन लिया है, क्योंकि देखिए पड़ोसियों की साइड से अभी तक शिकायत आई नहीं है, बट मेरे कानों तक बात चली गई है कि पड़ोसी थोड़े से तंग हो रहे हैं। तंग कौन हो रहा है, एक मैंने आवाज सुनी है, किसी पड़ोसी ने बोला है अभी कि इसको थोड़ा सा बांध के रखो। तो बांध के रखने का उनका मतलब ये है कि देखिए वो अगर रोड पे से गुजर रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई कुत्ता उनके ऊपर आके चढ़ जाए, है ना, या उनके आगे पीछे घूमे। तो इस चीज से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसको स्कूबी को थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, है ना, कि हर किसी के साथ, इसलिए मैं इसको पूरा दिन खुला नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया अभी कि अभी शुरुआत में इसको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो अगर हमें इसको खुला छोड़ना है तो देख वो जो मेरा नया वाला घर है उसके आंगन में खुला छोड़ देंगे और आगे का दरवाजा बंद कर देंगे। और वैसे इसको देखिए थोड़ा सा बाहर खेले, खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको खेलना ही बाहर खेले, लेकिन जो है ना मतलब थोड़ा सा जैसे खुले छोड़ने का मतलब ये है कि मैंने खुला इसको बांध नहीं रखा तो मेरे गेट के बाहर खड़ा बैठा रहे या आसपास बैठा रहे, या तो ये चीज है कि अभी नया नया आया है तो इसको भी चाव हो रहा है इस जगह को जानने का। तो हमें भी होता है, हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम घूमते हैं ना, तो चीटी कि ना इस जगह को डिस्कवर करें, तो वो चीज अभी मेरे इसके साथ स्कूबी के साथ हो रही है कि ये हर किसी को जानने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 दिन तो कम से कम देने चाहिए हमें भी। तो अगर किसी पड़ोसी की शिकायत आई भी कि ये बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहा है, तो मैं उन्हें यही समझाऊंगी प्यार से कि देखिए 10 दिन तो हर कोई एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसको थोड़ा सा भी एडजस्ट होएगा धीरे धीरे, इतने हम थोड़ा देर इसको बांध के रखेंगे, थोड़ा टाइम इसको खुला रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पड़ोसी भी परेशान नहीं होंगे और हमें भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखिए थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है, पड़ोसी भी एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा और हम भी एडजस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से देखिए अभी आपको लगेगा कि हाँ हमने कुत्ता पाल लिया, लेकिन देखिए पड़ोसियों के भी बहुत काम आएगा, कल को देखिए चोरी नहीं होने देगा पड़ोस में बिल्कुल भी, और हमारे घर में भी सेफ्टी रहेगी, है ना। कल को कोई भी बाहर का बंदा आए, बाहर का गलती से पीछे से कहीं से आ जाए, तो देखिए ये कितना अच्छे से सबको अलर्ट कर देगा। तो एक तरीके से हमारी इस कॉलोनी की पूरी सेफ्टी ये स्कूबी करेगा। तो इसीलिए ये चीज मैं पड़ोसियों को अच्छे से समझाऊंगी भी कि टाइम लगता है, लेकिन अभी तक वो मेरे पास आई ही नहीं है, अभी तक जो बातें हुई है वो पीठ पीछे हुई है, बस कानों कानों मुझे सुन गई। लेकिन हाँ जब सामने से बोलेंगे तो मैं सामने से प्यार से समझाऊंगी, क्योंकि देखिए जब प्यार से बात की जा सकती है तो उसमें झगड़ना झगड़ना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कई हमें सबसे हमें हमेशा कहते नहीं कि हमेशा ना हमें अपना सब्र रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत होके प्यार से हमें सामने वाले बंदे को समझाएंगे तो इंसान समझ जाता है ना। तो वही हमारी कोशिश रहेगी। तो बिल्कुल पड़ोस में कुत्ते के लिए झगड़ा नहीं करना है, हमें बिल्कुल नहीं लड़ना है, हमें क्या करना है प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है, जितना हो सके सामने से प्यार से बात करेंगे और समझाएंगे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।